Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. Thank you. First question hai, which of these is most effective for maintain temperature of fetus during intrauterine life? Show in this image. Baat ho rahi hai is image ki. तो वो आंसर है इसका बी एमनियोटिक फ्लूइड. नेक्स्ट है विच ऑफ द वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज सर्वाइकल कैंसर शो इन दिस पिक्चर. तो इसका आंसर दिया हुआ है आंसर बी HPV 16. विच ऑफ द एंजाइम दैट इज स्टमक शो इन दिस इमेज. तो स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है? आंसर है इसका ए पेप्सिन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आर्टिकल इज यूज फॉर लंग सेपरेशन सर्जिकल अप्रोच शो इन दिस इमेज. तो इमेज में दिया हुआ है डबल ल्यूमन एयरवे. आंसर बी. Which of the comfort device which is used to prevent hip from moving out of the joint show in this image? Right answer is ka waist pillow. Answer A. Next hai, identify the article which is show in this image. Ye hai tracheostomy tube. Answer B. Which of patient position show in this image? यह है Trendelenburg position. Answer A. Identify the instrument show in this image. यह है beam balance. Answer D. Identify the gas cylinder show in this image. तो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर. आंसर डी. Identify the angle of degree of subcutaneous injection at site B that show in this image. ये है साइट बी. तो राइट आंसर इसका 45 degree. Answer B. Identify the instrument which is used dry heat to sterilization method show in this image. ये है hot air oven. Answer B right है. Look at this ECG and identify P wave condition. P wave condition बतानी है. तो ये है आर्टरियल डीपोलराइजेशन हो रहा है इसमें. आंसर बी. आंसर ए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्यूटी बोन शो इन दिस फोटोग्राफ. तो ब्यूटी बोन होती है क्लेविकल. आंसर बी. आइडेंटिफाई द एंटीबायोटिक दैट डिसकलर टीथ शो इन दिस इमेज. राइट आंसर है इसका टेट्रासाइक्लिन. डी आंसर. आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद इंट्रावेनस इन्फ्यूजन थेरेपी शो इन दिस इमेज. द पेशेंट एल्बो कंटिन्यूस बेंड. आंसर डी. आइडेंटिफाई द साइट ऑफ लोकेशन ऑफ रिनल कॉलिक पेन शो इन दिस फोटोग्राफ. रिनल कॉलिक पेन बताना है. तो आंसर है इसका राइट
Plank. Answer A. Identify the deficiency of which vitamin during pregnancy may cause neural tube defect. तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो राइट आंसर है ए, फॉलिक एसिड. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन विच इज गिवन इन ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर शो इन दिस फोटोग्राफ. तो ये कौन सा ट्रैक्शन है? ये है डबल स्किन ट्रैक्शन. आंसर डी. Identify the type of traction used for after head and neck surgery show in this photograph. तो ये है हेलो ट्रैक्शन. आंसर बी. Identify the type of traction which is given in distal femur fracture show in photograph. ये है हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन. आंसर ए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन विच इज गिवन इन फ्रैक्चर ऑफ फिमोरल नेक शो इन द फोटोग्राफ. ये है बस्क ट्रैक्शन. आंसर सी. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन यूज्ड फॉर इन सर्वाइकल रीजन ट्रैक्शन शो इन दिस फोटोग्राफ. इसमें जो ट्रैक्शन शो हो रहा है वो है हेड होल्डर ट्रैक्शन. आंसर है इसका बी. Identify the site of location of cholelithiasis pain show in photograph. To right upper quadrant. Answer B. Look at this image and identify test done by this instrument. तो राइट आंसर इज का डी, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट है लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई इट. तो ये है, ये दिया हुआ है एरोप्लेन स्प्लीन. नेक्स्ट है लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई इट. ये है थॉमस स्प्लीन. और इस इमेज में जो दिया हुआ है वो है कंकल स्प्लीन. इमेज है कंकल स्प्लीन. और नेक्स्ट स्प्लीन है कुकअप स्प्लीन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन विच इज गिवन इन हिप बोन फ्रैक्चर इन यंगर चिल्ड्रन शो इन द फोटोग्राफ. तो ये है गैलोस ट्रैक्शन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन विच इज गिवन इन फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर फ्रैक्चर इन एडल्ट शो इन फोटोग्राफ. इसमें जो शो हो रहा है वो ट्रैक्शन है रसल ट्रैक्शन. आंसर ए. लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई आर्टिकल यूज फॉर स्टीम इनहेलेशन. तो ये है नेल्सन इनहेलर. लुक एट दिस ईसीजी एंड आइडेंटिफाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंडीशन. तो इसमें हो रहा है वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन. लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई दिस. ये है नेजल कैथेटर. आंसर ए. ये है एम्पूबेग. आंसर बी. लुक एट दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई इट. इस इमेज में जो मैन्यूअर दिया हुआ है वो है हेड टिल एंड चिन लिफ्ट मैन्यूअर. आंसर बी. इस इमेज में जो थ्रस्ट मैन्यूवर दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ डिग्री ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन एट साइट सी शो इन इमेज. तो
सी साइट है ये वाली, तो ये है 25 डिग्री, तो आंसर सी राइट है। आइडेंटिफाई द इमेज एंड टेल अबाउट द मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया शो इन इमेज। तो इंडिया में होने वाला मोस्ट कॉमन एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आंसर बी। विच ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इनिशियली बाय मैमरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी शो इन दिस इमेज, तो वह है कॉलोस्ट्रम, आंसर ए। विच ऑफ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन इज इंक्लूड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम शो इन दिस इमेज, तो इमेज में जो शो है वो हो रहा है, जो शो हो रहा है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सी आंसर है। लास्ट इमेज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फर्स्ट डेवलप इन एम्ब्रियो शो इन दिस इमेज, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है एम्ब्रियो में, तो हार्ट सबसे पहले डेवलप होता है, आंसर डी।